हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत सस्पेंस में। आज का टॉपिक है ओपनिंग प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए और ओपनिंग्स के थ्रू हम कैलकुलेशन और हमारा जो अटैक या इनिशिएटिव का फील है इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक ओपनिंग का कवरेज दिखाऊंगा, गैम्बिट्स कैसे होते हैं, इनिशिएटिव कैसे लिया जाए। और अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, तो इस सीरीज पे हम डिटेल में रिपेयर कर सकते हैं। तो E4D5 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। अब E takes D5 तो ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली लोग सोचते हैं Qd5 करना चाहिए, पर इधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है NF6। इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस और ब्लैक चाहता क्या है इसमें से। कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया था कि अगर हमको स्ट्रॉन्गर प्लेयर बनना है तो पहला चांस मिलते ही पॉन सैक्रिफाइस करें, और पॉन सैक्रिफाइस किस लिए करें, डेवलपमेंट में आगे होने के लिए। तो ये एक आइडिया है, व्हाइट को एक चांस दे रहा है ब्लैक कि C4 करके D5 पॉन को परमानेंटली बचा लो, राइट। और उससे होगा क्या, जैसे ही व्हाइट C4 खेलेगा पॉन अप तो हो जाएगा, दिखने में लग रहा है सेंटर कंट्रोल भी मिल गया, लेकिन F1 का बिशप अटक जाएगा सबसे पहला चीज। दूसरा क्या होगा, एक और पॉन मूव कराया व्हाइट को, यानी कि व्हाइट का जो डेवलपिंग मूव था उसके बदले में उसने पॉन मूव किया। अब ब्लैक क्या करेगा, इस सेंटर को ब्रेक करके पॉन दे देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे ऑब्वियस मूव E6 है, C6 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे E6 है। अब होता क्या है, नहीं लेने पे D6 ब्लैक ही E5 कर देगा और ब्लैक का गेम पूरा फ्री हो जाएगा। तो D takes E6 Bishop takes E6। अब आप देख सकते हो पिछले 2-3 मूव में ब्लैक ने 2 डेवलपमेंट कर लिया है, F8 बिशप को ओपन कर लिया है, उसके बदले में व्हाइट के पास थोड़ा सा सेंटर कंट्रोल है, नाइट C6 तुरंत बाहर आ जाएगा। तो ब्लैक इस तरह से जो है डेवलपमेंट में आगे हो गया पॉन देके। अभी हम इसके उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि ये ओपनिंग साउंड है या बिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा जो पर्पस है इस ओपनिंग को कवर करने का नहीं है। हालांकि मैं खुद इस ओपनिंग को खेलता हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा कंपेंसेशन मिलता है। ऑलमोस्ट मैंने 2300, 2400, 2200 सभी रेंज के प्लेयर्स के साथ ट्राई किया है। एकदम ग्रैंड मास्टर्स के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आता है, वो तो कोई भी ओपनिंग में आएगा, पर अदरवाइज 2350, 2400 रेंज तक एकदम कंफर्टेबल गेम्स होते हैं। आगे चल के मैं मेरे कुछ गेम्स भी बताऊंगा। यहाँ पे व्हाइट करता है D4, सेंटर को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो ब्लैक NC6 करके D4 रोक लेगा। उसमें भी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग गेम हुआ था एक 2200 प्लेयर के साथ, कभी हम उसका जिक्र करेंगे। अब इस पोजीशन में ब्लैक ने क्या करना चाहिए, व्हाइट के पास 2 पॉन मूव्स है, एक सेंटर का पॉन है, एक साइड पॉन है जिसने F1 बिशप का डेवलपमेंट रोका है। ब्लैक के पास ऑलरेडी 2 डेवलपमेंट है, अब वो NC6 कर नहीं पा रहा है क्योंकि व्हाइट का D5 आएगा। तो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट को अगर कोई चीज काउंटर कर सकता है वो है बेटर सेंटर कंट्रोल, जो व्हाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक फास्ट डेवलपमेंट करता है, तो ब्लैक ने खेला BB4 चेक। आइडिया एकदम सिंपल है कि अगर NC3 करे तो Qe7 करेगा, बिशप को सपोर्ट भी दे दिया Qe4 चेक से, पर मेन आइडिया सपोर्ट देना नहीं है। Qe7 से इस पाइल का यूज कर रहा है, बिशप C4 चेक का थ्रेट बना रहा है और फिर नाइट C6 करके लॉन्ग कैसल कर लेगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। अब मैंने जैसे आपको बताया मेरा इस लाइन को कवर करना पर्पस नहीं है। यहाँ पे नाइट E4 के बाद भी ब्लैक का पोजीशन बहुत अच्छा होता है, नाइट E4 फॉलोड बाय शॉर्ट कैसल, और ब्लैक का पोजीशन जो है बेटर भी हो जाता है कई केसेस में। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे मूव्स है। व्हाइट ने खेला BD2 गेम में, व्हाइट चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंजेस को, एक्सचेंज होने से क्या होगा, जो डेवलपमेंट का एडवांटेज है वो कम होगा। फॉर एग्जांपल BD2 को QD2 फिर NC3 आ जाएगा। ब्लैक जैसे कि आइडिया था उसने खेला Qe7, अब क्या है बिशप C4 का थ्रेट है। अब देख सकते हो Qe4 चेक, व्हाइट डेवलपमेंट में पीछे है, तो टैक्टिक्स क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। अब आता है नाइट C6, V4 सपोर्टेड हो गया, और काफी लोग सोचते हैं यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज होने से फ्री हो जाएगा QB4 NB4, पर आप देख सकते हो ये पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग है। ब्लैक के पास सब डेवलपमेंट है, NC2 का थ्रेट है,
को NA3 करना पड़ेगा, उसको लॉन्ग टेस्टल और फिर रुके ची एट आ रहा है। देखिए किस तरह से ब्लैक ने इनिशिएटिव ले लिया अपने डेवलपमेंट के दम पर। तो इस तरह से हम ओपनिंग प्रिपरेशन और अपना जो इनिशिएटिव का फील है दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। वो मेरा इस लेसन के पीछे बताने का एक छोटा सा आइडिया है। गेम में व्हाइट ने खेला बिशप टेक्स B4, क्वीन टेक्स B4, QD2, सेम आइडिया, फिर एक्सचेंज करना चाहता है। ब्लैक ने खेला NC6, फिर QB4 को NB4, सेम पोजीशन आएगा। व्हाइट ने खेला D5, दिखने में लगता है अरे ये क्या हो गया, फोर्क हो गया, पर अब पोजीशन को देखो, व्हाइट के सारे पीसेस क्वीन को छोड़ के सारे के सारे फर्स्ट रैंक पे, ब्लैक का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो जनरली 3 डेवलपमेंट अगर हो एक पॉन के बदले में तो वो तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पे ब्लैक का स्ट्रॉन्ग मूव आता है लॉन्ग कैसल, और अब यहां पे बहुत मुसीबत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिशप D5 ED, रुक E8 चेक आ रहा है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, बिशप D5 CD आगे चल के रुक D5 हो सकता है, और इस पोजीशन में आप देखो पीस मरने का भी चांस बहुत कम है, जस्ट बिशप G4 रुक E8 ये भी हो सकता है। तो यहां पे व्हाइट ने खेला QB4 नाइट B4, अब क्या हो गया, अब ये पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग। यहाँ पे मेन मूव नाइट A3 है, जिसको अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि रुक C8 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसे मेरे कुछ ऑनलाइन गेम्स हुए, आगे कुछ अगले लेसन्स में हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक चाहे तो BG4 भी कर सकता है, पर रुक C8 ऑलमोस्ट विनिंग है। इस गेम में DxC किया व्हाइट ने, उसको नाइट C2 चेक, KE2। व्हाइट सोच रहा था नाइट A1 को नाइट A3 करेगा, लेकिन ब्लैक ने देखिए क्या किया, A1 का रुक तो कोई भाग ही नहीं रहा है, तो उसने खेला रुक C8, और अब रुक E6 चेक भी आएगा, और ये जो नाइट A1 है वो तो चला ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल KF3 को रुक E6 या तो फिर F3 किंग को जगह बनाए, तो भी रुक E6 चेक, KF2 नाइट A1। एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए कि किस तरह से एक्स्ट्रा डेवलपमेंट से इनिशिएटिव जो है हम छीन सकते हैं। ऑफ कोर्स व्हाइट ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हो D1 भी आ रहा है, मटेरियली भी अप है, और नाइट जो है भाग जाएगा। तो इस लेसन में से जो सीख मिला हमें कि एक्स्ट्रा डेवलपमेंट जो है वो बाय फोर्स मटेरियल ले लेता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट और ये लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।